7 अगस्त 2024 को गोल्डन जुबली कन्वेंशन सेंटर, गुरु नानक भवन, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर पंजाब में राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ का नवा राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है। ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद में राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबन राव तायवाड़े इनके द्वारा दी गई। राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ पूरे भारत में ओबीसी लोगों के न्यायपूर्ण और संवैधानिक अधिकारों के लिए काम करने वाले विभिन्न संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और नेताओं का एक संघ है। राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ ओबीसी समुदाय के हितों के लिए पहल करता है और ओबीसी लोगों के सामने आने वाले विभिन्न मुद्दों पर सक्रिय रूप से रैलियां, धरना, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन और विभिन्न सेमिनार आयोजित करता है और पूरे भारत में ओबीसी के कानूनी और संवैधानिक अधिकारों के कार्यान्वयन के लिए प्रयास करता है और ओबीसी के सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए लगातार प्रयास करता है। ओबीसी समुदाय पर हो रहे उपरोक्त अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना और केंद्र व राज्य सरकार का ध्यान ओबीसी समुदाय की संवैधानिक अधिकारों की मांगों और ओबीसी समुदाय के संवैधानिक अधिकारों की ओर आकर्षित कर मांगों को पूरा करना है। इस श्रृंखला में हर साल ये महाअधिवेशन आयोजित किया जाता है। आपल्या सर्वांना कल्पना आहे की राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ 2016 पासून सातत्याने देशाच्या विविध राज्यांमध्ये महाअधिवेशनाचं आयोजन करून सर्व ओबीसी समाजाला संघटित करण्याचं काम करते आणि या महाअधिवेशनाच्या माध्यमातून देश पातळीवरती आणि राज्य पातळीवरती जे ओबीसी समाजाचे प्रश्न आहेत ते लोकप्रतिनिधींसमोर मांडून ते सोडविण्याचा सातत्याने प्रयत्न करीत असते। आजपर्यंत 8 अधिवेशनं संपन्न झालेली आहेत आणि मला सांगताना आनंद होतो की या 8 अधिवेशनाची यशस्वीता म्हणजे केंद्र आणि राज्य सरकारने काढलेले 48 शासन निर्णय। याच फळीत आता हे 9वं महाअधिवेशन 7 ऑगस्ट 2024 रोजी अमृतसर येथील गोल्डन जुबली कन्व्हेन्शन सेंटर, गुरुनानक भवन, गुरुनानक देव युनिव्हर्सिटी अमृतसर या ठिकाणी आयोजित केलेले आहे। या अधिवेशनामध्ये या अधिवेशनाचं उद्घाटन NCBC चे चेअरमन माननीय हंसराजजी अहिर साहेब यांच्या हस्ते होणार असून प्रमुख अतिथी केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव, केंद्रीय मंत्री रक्षाताई खडसे, या राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, पंजाबचे उपसभापती जयकृष्णजी सिंह, आपल्या राज्याचे विरोधी पक्षनेते विजयजी वडेट्टीवार, ओबीसी मंत्री अतुलजी सावे, गोव्याचे मंत्री सुभाजी शिरोडकर, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे नानाभाऊ पटोले, भाजपचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, हरभजन सिंग MP राज्यसभा पंजाब, प्रतिभा धानोरकर खासदार, नामदेवडी किरसान खासदार, अमर काळे खासदार, प्रशांत पडोळे, श्यामकुमार बर्वे, शोभा बच्चाव, संजय देशमुख, बाळू मामा मात्र हे सर्व खासदार मंडळी, त्यानंतर तेलंगणातले खासदार, आमदार आणि पंजाबमधले सुद्धा लोक याच्यात राहणार आहे। राजबब्बर साहेब आहेत, ते राजबब्बर साहेबसुद्धा याला येणार आहे, इम्तियाज अली सय्यद येणार आहेत, त्याच्यानंतर अनेक पंजाबचे मंत्री आणि विविध याचे पदाधिकारी याला येणार आहे। आणि या दिवसभर चालणाऱ्या अधिवेशनामध्ये आम्ही 30 ठरावावरती चर्चा करणार आहोत आणि ते ठराव पारित करून केंद्र आणि राज्य सरकारकडे पाठवून त्याचा पाठपुरावा करणार आहोत। इस पत्र परिषद में भी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो भाई। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर फिशर भगंदर पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com।